हाय गाइस, मैं सेल संतोष। एसएल सर्जरी अराउंड मेरा 1 आवर 15 मिनट तक चला था। सर्जरी का ठीक 2 दिन के बाद डॉक्टर एक बार राउंड में आए थे। मेरे पैर के ऊपर जो पट्टी था उसको निकाल के थोड़ा ड्रेसिंग करना शुरू किया। ड्रेसिंग के बाद थोड़ा रिलैक्स भी फील हुआ मुझे। उसके बाद डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ही मुझे चलाने की कोशिश किया गया। दिन में वर्कर की मदद से चलने की कोशिश भी किया, मैं भी कोशिश किया चलने की। उस टाइम मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था, 2 दिन के बाद मैं खड़ा हो सकता हूँ। 5 डेज के बाद डॉक्टर ने थोड़ा मेरा पैर को बेंड करने की कोशिश की। उस टाइम बहुत दर्द हो रहा था और 2-3 एक्सरसाइज भी मुझे बोले जो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा मुझे। मैं दिन में 2 बार वही एक्सरसाइज करता हूँ। थोड़ा पेन भी होता है मगर करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो हमारा पैर स्टिव हो सकता है। डॉक्टर से बिना सलाह लेके कोई भी एक्सरसाइज अपनी तरफ से मत करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है पहले अपने डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, उसके बाद दूसरे की सलाह लो। मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर कर दूँगा। मगर खुद से कुछ भी ट्राई मत करो, इसमें आपका लिगामेंट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। देखो, अगर आपका बोन के साथ छेड़खानी किया जाएगा ना तो पेन तो होना लाजमी है, उसमें ओरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कामली अपने दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ेगा कोई दूसरी चीज़ में। जैसे मेरा पेन दर्द बहुत था तो मैंने उस टाइम IPL चल रहा था, तो IPL देख देख के थोड़ा टाइम भी पास हो जा रहा था। वहाँ पे जो TV था ना कम्प्लीटली ऑन नहीं हो रहा था, तो हम लोग एक जुगाड़ लगाए थे। जो चलने वाला वर्कर था मेरे पास, उसके मदद से हम लोग एक मोबाइल स्टैंड बना दिए थे। अगर आप लोग को सर्जरी के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।